नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? फिर से एक डिज़ाइन लेके आई हूँ, बहुत सुंदर है। इसमें 13 के मल्टीपल में फंदे हैं और 6 फंदे एक्स्ट्रा होंगे। 32 फंदे लिए मैंने आपको समझाने के लिए। इसमें 4+9 इसके मल्टीपल में होंगे और यहाँ पे जो सिलाई है वो 10 नंबर की यूज़ होगी। मैंने यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर बनाया है, आप चाहो तो बॉर्डर को स्किप कर सकते हो, बिना बॉर्डर के भी बहुत प्यारा लगता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। रो 1 पहला फंदा स्टिच उठा लिया और एक फंदा हमने उल्टा बना लिया। उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। फिर उसके बाद हमने फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा। ये एक फंदा उल्टा हमारा गैप का है। ये 4 फंदों का पैटर्न हमारा अलग होगा और यहाँ पे हमारा 9 फंदों का पैटर्न अलग होगा। ये जो 4 फंदों का जो डिज़ाइन है वो गैप के लिए, स्वेटर की लुक को बढ़ाने के लिए रखा है उसको। और उसके बाद ये 9 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। जाली डालते हुए हमने 3 फंदे सीधे बना लिए धागा अपनी तरफ करके। अब हमने क्या करना है, ये जो सेंटर वाले 3 फंदे हैं, 9 फंदों का है, पहले 3 फंदे सीधे बना लिए और सेंटर वाले 3 फंदों को हमने 3 का 1 कर लेना है। फिर धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे, धागा पीछे करके हमने 3 फंदे सीधे बना लेने, 1, 2 और ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। फिर जाली डालते हुए एक फंदा हमने उल्टा बना लेना है। ये देखिए, ये हमारे 4 फंदे हमारे जो गैप के पैटर्न का बता रही हूँ और ये 9 फंदे हमारे जो डिज़ाइन है पैटर्न हमारा वो है। अब हमने फिर से क्या करना है, धागा अपनी तरफ रहने देंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे और फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे। ये बहुत से स्वेटरों में मैंने ये वाला गैप का डिज़ाइन बताया है और इस वीडियो में भी आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद हमने फिर से रिपीट करना है जो हमारा 9 फंदों का पैटर्न है। जाली डालते हुए 3 फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, 1, 2 और 3 फंदे सीधे, फिर जाली डालते हुए एक फंदा हमारा उल्टा आ जाएगा। धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे। ये देखिए, हमारे ये 9 फंदों का डिज़ाइन है। धागा अपनी तरफ रहने देंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और ये एक फंदा उल्टा हमारा गैप का। फिर लास्ट में स्टिच जो हमारा उसको हमने सीधा बना लेना। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और वीडियो में एंड तक बने रहना। ये रो 2 है, पहला फंदा स्टिच, एक फंदा सीधा, फिर 1 और 2 फंदे उल्टे, एक फंदा हमारा सीधा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 फंदे हमारे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और 9 फंदे उल्टे। ये रो 2 है। इसमें जितनी भी रॉन्ग साइड आएंगी वो सारी सेम आएंगी, एज इट जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बना लेंगे। जितनी भी उल्टी साइड को रो 2 के जैसे ही रिपीट करते जाना है, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए एक बार आपको रो 2 बना के दिखा दी है। और फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, इसको जेंट्स लेडीज़ किसी भी स्वेटर पर आप डाल सकते हो। ये रॉन्ग साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है, जो जैसे दिख रहा है उसको वैसे बना देंगे। अब अपनी राइट साइड की तरफ आ गए हैं। रो 3, पहला फंदा स्टिच, एक फंदा उल्टा हमारा गैप का, फिर धागा पीछे करेंगे। ये पैटर्न है हमारा, एक बारी पहले जाली डलेगी फिर 2 का 1 होता है। और अब यहाँ पे आ गया, पहले 2 का 1 कर देंगे फिर जाली डालेंगे। एक बारी बैक लूप से हमने 2-2 गैदर करना है और एक बार हमने फ्रंट लूप से 2-2 गैदर करना है। अब ये जो हमें जाली वाला फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा बना लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ पे 3 फंदे दिख रहे हैं, 3 में से 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे जाली डालते हुए, 1 और ये 2। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये 3 फंदे हैं, इनको हमने फिर से 3 का 1 कर देना है। अब जो सेंटर में हमारे फंदे 3 सीधे थे वो घट घट घटते जाएंगे। जैसे पहले 3 सीधे थे,
फिर हमारे दो सीधे आ जाएंगे। जाली डाल के दो फंदे सीधे आ गए, फिर एक तीन का एक कर दिया। अब इसके साथ फिर से दो फंदों को हमने सीधा डाल बना देना है। ये देखिए पांच फंदे हो गए, फिर धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमारा गैप का फंदा था एक उल्टा, उसको उल्टा बना लेंगे। फिर धागा पीछे। अब यहाँ पे हमारा फोर फंदों का पैटर्न फिर से रिपीट होगा, यहाँ से स्टार्टिंग से जो हमने स्टार्टिंग से बनाया था उसको रिपीट करेंगे फिर से टू टुगेदर फ्रंट लूप से। फिर जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा, उसके बाद फिर से हमारे वन सीधा, फिर जाली डालते हुए हमारे टू फंदे सीधे, वन टू फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, तीन फंदों का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए, फिर धागा पीछे और ये दो फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। फ्रेंड्स बिना स्किप करके देखना इसको आराम से, बहुत ही आसान है। एक बार इसको देख लोगे ध्यान से तो अच्छे से समझ आ जाएगा फर्स्ट टाइम में देखने से ही। जाली डाल के एक फंदा सीधा, फिर ये गैप का फंदा उल्टा आ गया, धागा पीछे और ये हमारा चार फंदों वाला जो पैटर्न है उसको रिपीट करेंगे। लास्ट में सीधा फंदा स्टिच बना लेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड आ गई रो फोर एज इट इज़ है, सेम एज रो टू जैसे हमने बनाई थी सेम वैसे ही बना लेंगे। अब राइट साइड आ गई है रो फाइव। फ्रेंड्स एंड तक बने रहना, लास्ट में मैंने उन व्यूअर्स का नाम लेना है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था और उनका स्पेशल थैंक्स करूँगी। तो आप भी बने रहना, अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्पेशल थैंक्स करूँ तो आप भी अपने कमेंट के साथ अपना नाम लिखना, अपनी जगह का नाम लिखना मत भूलना। पहला फंदा स्टिच उठा के एक फंदा उल्टा, और फिर से धागा अपनी तरफ रहने देंगे और बैक लूप से टू टुगेदर, एक फंदा उल्टा धागा पीछे। अब हमारे जाली के बाद यहाँ पे दो फंदे दिखाई दे रहे हैं तो इनको हमने दो सीधा ही बना लेना, एक और ये दो, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। फिर से धागा हम अपनी तरफ लाएंगे, अब ये सेंटर वाले तीन फंदे हैं इनको तीन का एक कर देंगे उल्टा बनाते हुए। फिर धागा पीछे, एक फंदा हमारा सीधा, दोनों साइड में एक एक फंदा सीधा आया, सेंटर में तीन का एक। फिर जाली डालते हुए हमने दो फंदे जो दिखाई दे रहे हैं इनको सीधा बना लेंगे। ये देखिए पूरे हमारे नाइन फंदे हैं, साथ साथ इनको काउंट करते रहना, नहीं कोई फंदा कम ज़्यादा ना हो जाए। फिर एक फंदा उल्टा हमारा गैप का, और धागा अपनी तरफ रहने लेंगे और बैक लूप से टू टुगेदर करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। फिर से बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ इसको आराम से देखना, फिर से रिपीट करें। दो फंदा सीधा, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर उल्टा बनाते हुए तीन फंदों का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ ला के, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर जाली डालते हुए दो फंदे सीधे, एक और ये दो। फिर उल्टा फंदा हमारा गैप का आ जाएगा, धागा अपनी तरफ ही रहने देंगे, बैक लूप से टू टुगेदर, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और लास्ट वाला स्टिच हमने सीधा बना लेना है। रॉन्ग साइड हमारी रो सिक्स एज इट इज़ है, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बना लेंगे। अभी आ गई हमारी राइट साइड रो सेवन। पहला फंदा स्टिच, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब ये हमारे फ्रंट लूप से टू टुगेदर, ये वही रिपीट होता जाएगा जो चार फंदों का अलग चल रहा है ये। फिर जाली डालते हुए एक उल्टा, अब इसका ध्यान रखना है नाइन फंदों का। ये हमारे तीन फंदे दिखाई दे रहे जाली के साइड में, तो यहाँ पे हमने तीन फंदे सीधे बना लेने, एक दो और ये तीन फंदे सीधे आ गए। फिर हमने क्या करना है, जाली डालते हुए तीन फंदों का एक करेंगे, क्योंकि हमें अपने फंदे भी बराबर करने हैं। तीन का एक किया है तो जाली डाल के हमारे पूरे हो जाते हैं। फिर धागा अपनी तरफ रहने देंगे, जाली डालते हुए तीन फंदे सीधे बना लेंगे। ये देखिए तीन फंदे यहाँ पे आ गए, तीन यहाँ पे, और जाली डल गई, हमारे पूरे नाइन फंदे कंप्लीट हो गए, कोई कम नहीं हुआ।
फिर उसके बाद हमारा एक फंदा उल्टा गैप का धागा पीछे करेंगे फ्रंट लूप से टू टुगेदर, फिर जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा। इसको एक बार बिना स्किप के आराम से देख लेना, फिर इसको ट्राई करना। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, फर्स्ट टाइम देखने से ही समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता रही हूँ, तीन फंदे सीधे जाली डालते हुए जो बीच वाले तीन फंदे हैं उनको हमने तीन का एक करना है उल्टा बनाते हुए। धागा अपनी तरफ रहने देंगे, जाली डालते फिर से हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे फ्रंट लूप से टू टुगेदर, फिर जाली डालते हुए एक फंदा उल्टा और ये लास्ट वाला फंदा सीधा आ जाएगा। रो 8 हमारी एज इट इज़ है, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बनाएंगे। टोटल हमारा 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और फिर से हमने आगे बढ़ाने के लिए यहीं से रो 1 से रिपीट करेंगे। और फ्रेंड्स मैं उनका नाम बता रही हूँ, मधु हंस हैं, डेनिश मार्टिन हैं, सुनीता सोंदी हैं, सरला गुप्ता जी हैं जम्मू से, ज्योति जी हैं जम्मू से, आरती हैं जम्मू से, सरिता कटियाल हैं, भूपिंदर कौर जी, अर्चना हकीम, मीना जी, गीता देवी, बलबीर कौर, ममता दे, लक्ष्मी कौर, गीतांजलि मोहाली से हैं, आशा पठानिया हैं, कमलजीत कौर हैं, जगजीत कौर, आभा गुप्ता, पुष्पा पटेल गुजरात से हैं, और बाकियों का नाम नेक्स्ट वीडियो में।